ये बंदा है माजूर और बिसाखियों पे खड़ा हुआ है। कितने बच्चे? चार बच्चे हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते, बस वो घर का खर्चा चलाइए के बच्चे पढ़ाइए। किराया 8,000 रुपया किराया, बिल वगैरह डाल के 10-12,000 रुपया हो जाता। काम ना होने की वजह से मंडी का जो है ना कर्जा चढ़ गया। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन ग्रामीण कदर, मैं इस वक्त मौजूद हूं स्कीम मोड़ पे। मैं स्कीम मोड़ से मुड़ा हूं और इकबाल टोन की तरफ जा रहा था, अचानक मेरी नज़र एक रेड़ी बान गन्ना रोल लगा के जो एक शख्स खड़ा है उस पर पड़ी। ये गन्ना और रोल लगा के सिर्फ रेड़ी बान तो बहुत है इस लाहौर में गन्ने के, लेकिन इसकी वीडियो बनाने पर मैं क्यों मजबूर हो गया वो ये कि ये बंदा है माजूर और बिसाखियों पे खड़ा हुआ है और ना धूप देख रहा है, ना आंधी देख रहा है, ना तूफान, ना बारिश। बच्चों के रिज़क के लिए घर से निकला हुआ है, यहाँ पे मेहनत कर रहा है। इसको यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है या किस जदोजहद से ये यहाँ पे काम कर रहा है, इसको आखिर किस चीज़ की ये कितना सपोर्टिव है और कितना सपोर्टलेस है, ये सारी चीज़ मैं आज इससे जानूँगा अपने नाज़रीन के लिए। कि ये आज हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये मजदूरी के आलम में इसने ये काम क्यों पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब अली। साकिब भाई, माशाल्लाह बड़ी बात है यार, आप मजदूरी के आलम में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो शादी हुई हुई है? जी भाई। कितने बच्चे? चार बच्चे हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते। कब हुई है शादी? शादी को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए ने, तो पढ़ते नहीं, मतलब कि साल बाद भी बच्चा होया होवे ते ओ ते हुण ते मेरा 5-6 साल दा होएगा। जी जी। क्यों नहीं पढ़ाते? बस वो घर का खर्चा चलाइए के बच्चे पढ़ाइए। अच्छा, मुश्किल से चल रहा है घर का गुजर का? जी जी बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद। फैसलाबाद कहाँ से? फैसलाबाद मकवाना बाईपास। मकवाना बाईपास। तो आपने लाहौर ही क्यों पसंद किया अपनी रोजी के लिए? बस इधर रोजगार के लिए इसलिए हूँ, काफ़ी रिश्तेदार भी इधर मजदूरी करते हैं ना इसे। जी, उधर भी अपना घर नहीं है तो इधर इसलिए है कि बच्चे यहाँ हैं कि पीछे बैक पे? नहीं, इधर ही हैं, इधर ही हैं। किराए पे रहते हो? अपना घर किराए पे है। कितना किराया देते हो? किराया 8,000 रुपया किराया, बिल वगैरह डाल के 10-12,000 रुपया हो जाता। ठीक हो गया। तो यहाँ से कितना कमा लेते हो? यहाँ से बस अपना घर का सर्कट चला रहा हूँ, इतनी अमाउंट नहीं है। घर का सर्कट चल जाता है बिजली बिल से सारे ये निकलते हैं? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मंडी का कर्जा चढ़ गया मुझ पर, मैंने ये काम शुरू किया लेकिन काम ना होने की वजह से मंडी का जो है ना कर्जा चढ़ गया। उधर इधर से कमाता हूँ, घर का किराया बिल दे देता हूँ, बच्चों का खर्चा वगैरह। कितना कर्जा है मंडी का आप पे? मंडी का कर्जा तकरीबन मुझ पर 60,000 रुपया कर्जा चढ़ गया। 60,000 रुपया चढ़ गया। बच्चे भी पाल रहे? बच्चे भी पाल, पढ़ा भी नहीं रहे? नहीं पढ़ा रहा। किराए का घर है? किराए का घर है, बहुत मुश्किल है। बस बच्चे भी चार हैं? बच्चे भी चार हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बस मालिक की ज़ात है जो सिलसिला चला रही है। हम तो फिर भी अपनी मेहनत करता हूँ, बस शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे पाँव नहीं दिए लेकिन हाथ तो दिए हैं, इनसे मैं अपना काम करता हूँ, वहीं से गुजार। सख्त काम है? सख्त काम है, बस मुश्किल से गुजर के बंदा जो है अपनी मंजिल पर पहुँचता है। तो भाइयों से बस गुजारिश है कि हो सके तो मेरी हौसला अफजाई करें। मैं मंडी का थोड़ा सा कर्जदार हो गया हूँ, मुझे मंडी से ज़रा बरी करवा दें ताकि मैं अपना काम जो है खुले दिल से कर सकूं। ऐसे में परेशानी में काम भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मंडी वाले आते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारी रेड़ी को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा अड्डा उठा के ले जाएंगे, लेकिन मेरा तो रोज़गार ही बच्चों का सिलसिला ही यहाँ से होता है। तो इसके अलावा मुझे मांगने का शौक़ नहीं है क्योंकि मैं कहता हूँ कि मांगना है तो अल्लाह की ज़ात से मांगें, क्योंकि मांगूंगा तो फिर भी वैसे पाकिस्तान का नाम ही जो है वो ही ख़राब होगा कि पाकिस्तान की आवाम ऐसी है। ऐसे मेहनत करता हूं तो इसमें पाकिस्तान की भी इज्जत ही है कि मजदूर हो के अपनी मेहनत करता है। बस आवाम के लिए ज़रा रिक्वेस्ट है मेरी। साकिब का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी अल्लाह का वली, अल्लाह का दरवेश, अल्लाह का सखी जिसको अल्लाह ने अता किया है इस मजदूर की, क्योंकि मुस्तहिक पे मदद करना ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कोई भी साथी इसकी मदद करना चाहता है क्योंकि ये जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पे तो मिनट नहीं लगाएंगे इसको, वो उठा के ले जाएंगे टोन आने वाले, इसकी रेडी उठा के ले जाएंगे,
ये ना पीछे जाने जोगा, ना बैक करने जोगा, कुछ भी करने के लिए नहीं है ये। तो इस बंदे की हेल्प बनती है, लिहाजा इसकी हेल्प कीजिए। शुक्रिया।